So this is Ujjwal Kumar Sen and you are watching Ujjwal Kumar Sen YouTube channel. तो guys, आज का जो lesson होगा वो किस में होगा? हिंदी में होगा. तो देखते रहिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा. तो आज मैं ऐसे चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो important है gate के लिए, even ESE के लिए, right? अब मैं क्या कर रहा हूँ, ESE के topics भी covered कर रहा हूँ, right? Those are preparing for ESE and targeting next year. उनके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है ट्यूटोरियल्स, बिकॉज आगे जितने ट्यूटोरियल्स आएगा वो क्या होगा, ESE रिलेटेड प्लस गेट रिलेटेड होगा, राइट? तो हम बात करेंगे क्या इसमें जो इंपॉर्टेंट एंट्रोपी के अंदर पूछा जाता है. डेफिनेशन आपको पता है कोई नहीं पूछता है, राइट? डेफिनेशन अगर पूछते हैं तो वो भी इंटरव्यू में पूछते हैं, वो भी डेफिनेशन में जो डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर इसका मतलब पूछते हैं आप लोगों को, राइट? तो हम बात करेंगे इसमें क्या, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, इसके बारे में हम बात करेंगे. क्या प्रिंसिपल है एंट्रोपी के बारे में, इंक्रीज होना नहीं होना. तो आराम से देखते रहिए और मैं आपको बोलूँगा हेडफोन लगा लो, साथ साथ लिखते रहो, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, राइट? तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, जो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स कैन नेवर हैव नेगेटिव वैल्यू. मतलब क्या है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, राइट? अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें, दैट इज इसका मतलब क्या हुआ. अगर डी एस यूनिवर्स हम लें, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा. आपको पता है जो यूनिवर्स है हमारा, यूनिवर्स में हम अगर थर्मोडायनेमिक्स के व्यू से देखें, दो चीज़ है, एक क्या है सिस्टम है और एक क्या है सराउंडिंग है, राइट? सेम टू सेम इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें कैसे लिख सकते हैं, देखिए, डी एस सिस्टम प्लस डी एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, समझ गए? अब यहाँ पर तीन चीज़ें आएगा, एक क्या आएगा, रिवर्सिबल आएगा, एक इरिवर्सिबल आएगा, और एक क्या आएगा, रिवर्सिबल हो गया, इरिवर्सिबल हो गया, और एक क्या आएगा आपका, इम्पॉसिबल आएगा. तो यहाँ पर तीन चीज़ें आ गया, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड इम्पॉसिबल. देखिए, अगर डी एस यूनिवर्स, जो डी एस यूनिवर्स है, अगर वो इक्वल टू जीरो है तो क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल. अगर डी एस यूनिवर्स है अगर ग्रेटर देन जीरो है तो क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल. और डी एस यूनिवर्स लेस देन जीरो कभी हो नहीं सकता है, ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ इसके बारे में, नेवर बी नेगेटिव. तो लेस देन जीरो मतलब क्या है, नेगेटिव, विच इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट. तो टोटल एंट्रोपी चेंज अगर बात करेंगे हम रिवर्सिबल प्रोसेस में, रिवर्सिबल प्रोसेस में तो क्या हो जाएगा, अगर आप बात याद करेंगे क्लॉसियस इनइक्वालिटी, उसमें भी जब हम रिवर्सिबल प्रोसेस देखते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो होता है, राइट? ये साइक्लिक चेंज का मतलब क्या है, साइक्लिक पूरा साइकिल में काम करेगा, राइट? ओके, साइक्लिक प्रोसेस बोल सकते हो आप. अच्छा, अब देखो डी एस इज इक्वल टू जीरो किस में होगा, रिवर्सिबल में होगा. अगर दोनों को हम मिक्स कर दें तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू डी एस, जो यूजफुल आपका इंफॉर्मेशन है, राइट? अब बात करेंगे टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होता है, राइट? तो ये क्या होता है, बेसिकली जो एंट्रोपी चेंज होता है टोटल, वो समेशन होता है. समेशन किसका होता है, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी का, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, IRR, इरिवर्सिबिलिटी, प्लस एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इंटरेक्शन का, राइट? ये बेसिकली क्या, समेशन होता है टोटल एंट्रोपी चेंज. तो हम क्या लिख सकते हैं, डी एस इज इक्वल टू डी एस इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, IRR कर देते हैं, प्लस डी एस एक्सटर्नल इंटरेक्शन, दो चीज़ें हो गया, राइट? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी एस एंट्रोपी जनरेशन, एंट्रोपी जनरेशन प्लस साइक्लिक के लिए डी क्यू अपॉन टी कर देते हैं इसको, राइट?
बिकॉज हमारे पास टी है. ओके तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये चीज़ आ गया. और यहाँ पर बात करेंगे एंट्रोपी जनरेशन क्या होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, जो एंट्रोपी जनरेशन है, एंट्रोपी जनरेशन क्या होता है, हमारा पाथ फंक्शन होता है. क्या होता है, पाथ फंक्शन. लेकिन अगर खाली एंट्रोपी बात करोगे क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है. और क्या होता है, कैसे प्रॉपर्टी होता है आपका, अगर आप देखोगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, मास के ऊपर डिपेंडेंट होता है. और जो प्रॉपर्टी होता है, सारे प्रॉपर्टीज़ कैसे होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं. तो गाइस जब क्वेश्चन आता है एंट्रोपी जनरेशन वो क्या हो जाएगा, जितना प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, पॉइंट फंक्शन होते हैं. और जो एंट्रोपी जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ वो क्या आ जाएगा, पाथ फंक्शन हो जाएगा. राइट, ओके. तो एंट्रोपी बेसिकली क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी सारा क्या होते हैं, पॉइंट फंक्शन होते हैं. और एंट्रोपी जनरेशन क्या है, पाथ फंक्शन है. क्लियर, ओके. अब बात करते हैं, हम पहला केस लेते हैं, मुकदमा चलाएंगे इनके ऊपर अब. राइट, इस केसेस में हम क्या करेंगे, कुछ और अंदर की चीज़ें लेंगे. तो हम क्या लेते हैं, सपोज दैट जब हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, जस्ट कंसिडर दिस. अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो डी एस इरिवर्सिबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो. राइट, तो डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन टी. अगर आप इसके पहले वाले फॉर्मूला पे गौर करोगे तो. राइट, ओके. अब देखो इसमें हम क्या लेंगे, छोटे छोटे अब चीज़ें लेंगे. ए पार्ट लेते हैं, हम क्या बोलते हैं कि व्हेन हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम. राइट, जब हीट रिजेक्ट करता है सिस्टम से, when heat is rejected from the system, जब heat reject करता है system से तब क्या होगा. right, अब देखो अगर heat reject करता है system से तो क्या हो जाएगा, dQ is less than zero and dS is also less than zero. therefore यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब heat reject करता है system से, entropy change on the system having negative value, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लो, एंट्रोपी चेंज ऑन द सिस्टम हैविंग नेगेटिव वैल्यू. अब लेते हैं बी ऑप्शन, हमारे पास हो सकता है. एक बार हमने हीट क्या करा, रिजेक्ट करा, अब क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं. अगर हम हीट सप्लाई करेंगे तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम हैविंग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू, उल्टा हो जाएगा. अब लेते हैं सी, और एक हम केस लेंगे, मतलब केस के अंदर और एक चीज़ हम देखेंगे. जब हमारा सिस्टम क्या होता है, वेल इंसुलेटेड होता है. इंसुलेशन मतलब आपको पता है, थर्मोडायनेमिक्स आप इससे पहले ही पढ़े हो. तो इंसुलेशन का, इंसुलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक हम सिस्टम बोल सकते हैं. राइट, ओके, बिकॉज आर, अच्छा, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, उस केस में जीरो हो जाएगा. राइट, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल एडियाबेटिक भी बोल सकते हैं. बात समझ गए उसमें, बिकॉज इस केस में क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक हम बोलेंगे उसको, रिवर्सिबल प्रोसेस चल रहा है हमारा. आप समझ पा रहे हो, आप जो हम देखते हैं कि इसमें बेसिकली हम इसके बारे में पढ़ते हैं, VCRS साइकिल में पढ़ते हैं. राइट, अच्छा, अब जो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं उसको, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं. आप लोग को होपफुली क्लियर हो गया, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कैसे सेम है, यहां से हमें पता लगता है. राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम मे हैव पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन जीरो वैल्यू. यूनिवर्स का नेगेटिव कभी हो नहीं सकता है, बट अगर सिस्टम की मैं बात करूंगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो वैल्यू भी हो सकता है. इसके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, ठीक है. अब बात करते हैं केस, हमने केस फर्स्ट लिया था, उसके अंदर तीन चीजें हमने देखा इंपॉर्टेंट चीजें. हम लेंगे अब क्या, केस सेकेंड, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान देना आप. राइट, तो हमारे पास अब क्या है, एक बार तो हमने रिवर्सिबल ले लिया, एक बार हम क्या लेंगे, सपोज दैट हमारे पास सिस्टम जो है इरिवर्सिबल है. सिस्टम हमारा कैसा है, इरिवर्सिबल है.
उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, डी जो साइक्लिक है वो क्या जीरो हो जाएगा, ये राइट इरिवर्सिबल है। तो डी एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एस इरिवर्सिबल आई आई आर, समझ गए। अब देखिए यहां पर क्या होगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू एंट्रोपी चेंज ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, हम ऐसे को बोल सकते हैं ऐसे। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, अगर ऐसा हमारे पास होगा, कब होगा बेसिकली इसके बारे में हम बात करें कि डी जो हमारे पास साइक्लिक चेंज है जीरो कब होगा, जब हमारे पास सिस्टम क्या होगा, एडियाबेटिक होगा, राइट एडियाबेटिक जब सिस्टम होगा तब हमारे पास ऐसे आएंगे। इसको मान लेते हैं ए, मान लेते हैं जैसे हमने लिया था एडियाबेटिक सिस्टम होगा तो ऐसे हो जाएगा। अब बी केस में एक बार पकड़ते हैं, बी में क्या कर रहे हैं, व्हेन इंक्रीज इन इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, जो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी है उसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और कंपेंसेटेड बाय डिक्रीज इन एक्सटर्नल इंटरेक्शन, जो एक्सटर्नल इंटरेक्शन है उसको हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। उस केस में क्या हो जाएगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज हैविंग जीरो वैल्यू, उस केस में क्या हो जाएगा, डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, समझ गए। तो गाइस इसी के साथ और एक शानदार हमारा ट्यूटोरियल ख़त्म होता है एंट्रोपी का। गाइस आपको बताऊंगा एक चीज़, अगर आप मान लो थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं करें हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर मैंने लिंक डाला हुआ है, वहाँ पर आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए, खास करके गेट के लिए। कटिंग एज इंफॉर्मेशन है, आप अगर देखोगे आपको पता लग जाएगा इंफॉर्मेशन की क्वालिटी क्या है, राइट। सो गाइस डिस्क्रिप्शन चेक करना, उसमें लिंक में है, उसमें जाके जाओ, बहुत शॉर्ट वीडियो टाइम में आपका थर्मोडायनेमिक्स प्रिपरेशन हो जाएगा, राइट। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। और ट्यूटोरियल्स कैसा लगा जरूर बताएं नीचे, और कोई सजेशन है, कोई टॉपिक आप चाहते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, जरूर आप नीचे कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, उसका बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि मेरे जितने वीडियोज़ आएंगे आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइज़ बाय बाय।